Hello students, Matt Bhai from Vidyaxcel consultancy. आशा करता हूँ आप लोग अभी नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हो. तो मैं आज कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि स्टूडेंट द्वारा बहुत सारे बार पूछा जाता है कि सर अभी मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है बट वो बन जाएगा, दो तीन महीना लग सकता है, या कोई कैटेगरी होता है EWS करके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उसके बाद क्या फंडा है कि आपका जो नीट साल जिस साल नीट देने वाले हैं उसके पहले जो मान लीजिए 2024 में आप नीट देने वाले हैं तो 2024 का मार्च तक का जो हुई बना हुआ रहेगा वो वैलिड नहीं होगा. आपको बनाना है कैसे EWS आपका वैलिड होता है 2024 मार्च के बाद में जो बनेगा. तो अभी चल रहा है आपका फरवरी, तो वो मार्च तक जो बना हुआ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. वो बनवाना है आपका मार्च के बाद, तो वो अभी आपके पास नहीं होगा, यही हम आशा करते हैं. तो पॉसिबली नहीं है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ नीट एप्लीकेशंस, आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म कट एट द टाइम ऑफ नीट एप्लीकेशन आप फिलअप करना होता है. उसमें क्या होता रहता है कि आप अभी नीट का फॉर्म में अभी आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है मान लीजिए SC ST OBC ये सब सर्टिफिकेट अभी आपके पास नहीं है, बट वो दो तीन दिन आप बनवाने दे दिया है बट वो अभी आया नहीं है, तो उस हिसाब से एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, उसमें फिलअप करने से वो वहाँ पे ये लिखा रहता है कि आप अभी आपके पास नहीं है, आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप वो प्रोड्यूस करेंगे कॉलेज को, वो प्रोड्यूस करने के बाद आपका एडमिशन होगा. इसमें और एक भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो वो सर्टिफिकेट है वो आप दे नहीं पाए तो आपका वो जो सीट रहता है जो आपका कैटेगरी के हिसाब से एलोटेड हुआ है वो आपका कैंसिल हो जाएगा. मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड में आपको EWS सेक्शन में या SC ST सेक्शन में आपको सीट मिल गया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो आप कर दिए थे डिक्लेरेशन वर्ड दिए थे या आपका अभी बना नहीं था, ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ कॉलेज एडमिशन आप नहीं दे पाए तो आपका क्या होता है वो सीट आपको कैंसिल कर देता है. कैंसिल करने के बाद क्या होता है आपका सेकेंड राउंड पे आप जनरल कैटेगरी करके फिर से आप काउंसलिंग प्रोसेस में कर पाएंगे. तो मेरा सजेशन यही रहेगा स्टूडेंट आपके साथ कि आप जैसे भी हो जल्दी जल्दी जैसे हो सके एट इम्पॉर्टेंट बेसिस पे आप वो बनवा लीजिए कि ये सब प्रॉब्लम हो जाता है आपका टाइम ऑफ नीड एप्लीकेशन और नीड एडमिशंस कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा गया, आपका सीट भी अलॉट हो गया बट आपका जो कैटेगरी अप्लाई किए थे वो कैटेगरी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक, तो इस हिसाब से वो प्रॉब्लम हो जाता है. तो ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, डिक्लेरेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं बट मेरा सजेशन यही रहेगा डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद भी आप एप्लीकेशन तो कर दिए बट कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी सर्टिफिकेट बन जाए. ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं लाता रहूँगा फ्रॉम विद्याएक्सेल एजुकेशन कंसल्टेंसी. आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसके अलावा भी हम लोगों का एक नीट पेड काउंसलिंग प्रोसेस भी है, आप वहाँ पे हम लोग बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प कर सकते हैं. तो आपको पेड नीट काउंसलिंग को लेके कोई भी जानकारी या कोई भी इंक्वायरी हो तो आप नीचे दिया हुआ नंबर को संपर्क कर सकते हैं. थैंक यू. विजिट अस, विजिट आवर वेबसाइट्स, विजिट आवर सोशल मीडिया पेज. थैंक यू वंस अगेन.